गुड मॉर्निंग बच्चों, आज के लेक्चर में हम क्लास 11th का एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे बुक निकालिएगा अपनी। अभिषेक, आर्यन, अभिषेक, आकाश, सब बुक निकालो। कितने क्वेश्चन हो गए थे बताओ जल्दी। पहले बैठ जाओ सभी एक सीक्वेंस में, बैठो फटाफट। आकाश बताए, अभिषेक, क्वेश्चन नंबर 5, आर्यन जो कल आए थे वो बच्चे बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया था, क्या भी नहीं आ रहा। कौन सा एक्सरसाइज का 10.2? तो 10.2 का एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 मूल बिंदु से बाई ओर। अच्छा देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से देखिए। मूल बिंदु के बाई ओर, ओए सुन लो पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज। मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण निकालो। क्या कहता है कि मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है, देखो पहले ये एक कार्तीय तल है, ये x हो गया, इधर x डैश आता है, इधर y डैश और ऊपर है y। ठीक है, अब क्या कहता है ध्यान देना मेरी बात पे, ये मूल बिंदु है। क्या है? मूल बिंदु है। अब सुन लो दोबारा, इसको ध्यान में रखते हुए सुन लो। देखो मूल बिंदु के बाईं ओर, बाएं किधर है? इधर की साइड है, लेफ्ट साइड में। ठीक है, मूल बिंदु के बाईं ओर x अक्ष को 3 इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने तथा ढाल -2 वाली, मतलब एक रेखा है ऐसे ऐसे, ये रेखा आती कुछ। ठीक है, और ये क्या करती है, x अक्ष को 3 पर प्रतिच्छेद करती है, यानी माइनस वाली साइड में, यानी यहाँ पे, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 3 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है, बाईं साइड में 3 इकाई क्या करती है? प्रतिच्छेद करती है बाईं साइड में x अक्ष को। तो अगर ये 3 है तो ये बिंदु कितना हो जाएगा? -3, 0। इधर की साइड क्या होता है? -x अक्ष होता है ना, माइनस वाली साइड है ये। चलो, और फिर कहता है कि ढाल -2 वाली रेखा है, ये जो रेखा है ना इसकी ढाल है -2। एम बराबर क्या है इसका? -2 है ढाल। तो इसका समीकरण बताना है क्या होगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारे पास क्या मिल गया, एक बिंदु मिल गया इस रेखा का और ढाल मिल गई। तो y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन की फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो अब यहाँ पे लिखते हैं, पहले इसका नाम चाहिए एल रख दो। देखो यहाँ लिखो दिया है ढाल m इज इक्वल टू माइनस का 2 और बिंदु इसका नाम चाहे p रख दो, कोई दिक्कत नहीं, बिंदु p रख दो इसको। बिंदु p इज इक्वल टू -3, 0। अब हमें क्या निकालना है? रेखा का समीकरण बताना है जिसकी ढाल -2 है और बिंदु -3, 0 है। तो देयरफॉर, इसीलिए रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस में एक्स वन, वैल्यू पुटअप कर लो, इसको एक्स वन, इसको वाई वन, इस बिंदु को एक्स वन वाई वन मान लो। ठीक है, तो वाई वन कितना है? 0 और m कितना है? m -2, x सेम, x वन कितना है? -3, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। y इज इक्वल टू -2x, माइनस में 6 हो जाएगा। ठीक है, 2x माइनस प्लस माइनस 2 3 6। ठीक है, अब क्या करोगे?
माइनस टू एक्स इधर आएगा कहाँ पे? देखो माइनस टू एक्स ले आओ चाहे प्लस कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं साइड घुमा रहा था, माइनस टू एक्स हो गया। अब देखो ये वाई आएगा इधर तो माइनस का वाई, और ये आएगा इधर तो प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो है। जब तो ये ऐसे करा ना मैंने, देखो ये रुक जाओ तुम नहीं समझ रहे हो। देखो 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 ऐसे देखो ना, माइनस टू एक्स आएगा इधर तो वाई प्लस टू एक्स प्लस सिक्स बराबर जीरो। अब साइड चेंज कर लो, चलो ठीक है लो, चेक करो आंसर ठीक है। सही है सही है, चेक करो आंसर बिल्कुल राइट। और लिखो फटाफट जल्दी, सभी बच्चे नोट कर ले पहले, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा। क्या बात संदीप है तो तो आप सभी बच्चे आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। 9 अच्छा 6 6 मुझे 9 लग रहा था ना। यहाँ देख लो सभी, तो ये इधर देख लो ध्यान से। देखो मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष को दो इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। ठीक है सुन लो पहले, मूल बिंदु से वाई अक्ष को दो इकाई पर प्रतिच्छेद करें, तो पहले तो क्या करो एक कार्तीय तल बना दो, कार्टेशियन प्लेन ऐसे। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये वाई। अब सुन लो ध्यान से पहले, मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष को दो इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करने वाली और एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ 30 का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। देखो ऐसे एक लाइन आती मान ले येरी, अब ये y अक्ष को ऊपर से मतलब ऊपर की ओर यानी यहाँ पे कितने इकाई पे काटती है, यहाँ पे दो इकाई पे ये, और x अक्ष की धन दिशा ये है प्लस वाला अक्ष है ना, इसके साथ में यहाँ पे एंगल बनाती है 30 का, 30 का कोण बनाती है ये वाली धन दिशा। तो ये है ना ये वाला अक्ष है धन वाला, इसके साथ तो बना रही है ऐसे में। देखो ना एंगल का शीर्ष ये है ना ऐसे में, रोटेशन ऐसे में इधर की साइड से बना रहा है ना ऐसे, देखना एक्स वाली साइड यहाँ नहीं देखना। अब यहाँ से अक्ष तो ये वाला लेंगे ना प्लस वाला अक्ष ये, अगर मैं ऐसे मतलब ये होता एंगल ये वाला तो फिर ये होता क्या माइनस वाला अपन, लेकिन प्लस वाला अक्ष कह रहा तो यहाँ से लिया एंगल ऐसे में, इसके साथ लिया इसके साथ ऐसे में, लेकिन ध्यान रखना हाँ। तो ठीक है 30 का कोण बनाती है, वाई अक्ष को दो इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, तो तुम्हें क्या करना है मूल बिंदु से वाई अक्ष को दो इकाई की दूरी पर प्रतिच्छेद करती है, एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ 30 का कोण बनाती है, उसका समीकरण निकालो। और सुनो समीकरण निकालना है तो देखो पहले ध्यान से, ये क्या है दो है तो ये बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो कॉमा टू, एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू टू। ठीक है अब लिखो यहां पर दिया है देखो क्या दिया है। ओए यहां सुन लो पहले, बिंदु बिंदु हमने निकाल दिया, बिंदु इसको मान लो चाहे पी ए कुछ भी मान लो, पी बिंदु मान लो पी जीरो कॉमा टू, और थीटा दे रखा है एंगल, ये वाला एंगल क्या है थीटा, ये अल्फा है बीटा कुछ ही मान लो, तो मानता हूँ मैं थीटा कोण थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो दे फॉर
ढाल का फॉर्मूला क्या था? ढाल m इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर एंगल दिया होता है तो ढाल निकालने का फॉर्मूला क्या था? m इज इक्वल टू टेन थीटा। देयरफॉर m इज इक्वल टू टेन, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3। तो ये इसकी ढाल आ गई। अब देखो बिंदु हमें दे रखा है 0.2, ढाल दे रखी है ये वाली, निकाल लो समीकरण। इसीलिए अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो जरा ध्यान से, y1 कहाँ पर है, इसको मानो x1, इसको मानो y1। तो y1 दो, m कितना है 1/√3, और x सेम, x1 कितना है 0 है। सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ देख लो साइड में, y माइनस टू इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, 1/√3 इंटू में x आएगा, फिर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, √3y माइनस में 2√3 और इक्वल टू में x। अब क्या करोगे, देखिए ये x है ना, उधर ले जाओ इसको, तो x माइनस का √3y और ये आएगा उधर, तो प्लस का 2√3 इक्वल टू 0, सही है ना। चेक कर लो एक बार आंसर, तो लिख देना यही अभीष्ट रेखा का समीकरण है, यही अभीष्ट रेखा की समीकरण है। चेक करते जाओ भाई आंसर, कभी कभार कहीं भी माइनस प्लस में गलती हो जाती है ना, तो पकड़ी जाती है। है नोट कर लो पहले सभी बच्चे इसको ध्यान से। सभी बच्चे ध्यान से देख के, सबने नोट कर लिया? अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 7, नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट, नॉट मोस्ट इंपोर्टेंट। सुन लो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसको भी सब कर दूं ना, हो गया सबका? बातें मत करो, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से। बिंदुओं माइनस 1.1 और 2.-4 से जाती हुई रेखा का समीकरण बताओ। देखो दो बिंदु दे रखी है, एक को मान लो ए, एक को मान लो बी, इसको मान लिए ए, इसको मान लिए बी, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण बताना है। पहला बिंदु है माइनस 1.1 और दूसरा है प्लस 2.-4। अब मैंने बता रखा था दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन, है ना। तो बस वो फॉर्मूला डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मान लो एक्स वन वाई वन, इसको मान लो एक्स टू वाई टू, ठीक है। तो देखो यहाँ दिए गए बिंदु ए माइनस 1.1 और बी 2.-4, इसीलिए अभीष्ट रेखा का समीकरण, अभीष्ट रेखा की समीकरण, रेखा की समीकरण क्या होगी? दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या था? y माइनस वाई वन, वाई टू माइनस वाई वन, एक्स टू माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स वन। बस वैल्यू पुट अप कर लो, वाई वन वन हो गया, वाई टू माइनस का 4 हो गया, फिर वाई वन वन हो गया, एक्स टू कितना हो गया 2,
x1 कितना हो गया माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस वन सीधा, x x1 कितना है माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन, y माइनस वन सेम, देखो माइनस फोर माइनस वन माइनस का फाइव अपॉन में थ्री और x प्लस वन, इसे थ्री का मल्टीप्लाई कर लो लेफ्ट साइड में, तो थ्री वाई माइनस में थ्री इज इक्वल टू माइनस फाइव के ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, माइनस फाइव एक्स माइनस प्लस माइनस फाइव वन जे फाइव। अब क्या करो देखिए ध्यान से, माइनस का फाइव एक्स आएगा लेफ्ट साइड में, तो प्लस का फाइव एक्स, प्लस का थ्री वाई पहले से चल रहा है, माइनस का थ्री माइनस फाइव पर इधर, प्लस का टू इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये इधर आया देखो प्लस बन गया, ये पहले से प्लस था, ये माइनस सेम था, इधर आएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा। तो वी कैन सी दैट फाइव एक्स प्लस थ्री वाई प्लस माइनस माइनस फाइव में से थ्री जाएगा तो प्लस का टू इक्वल टू जीरो, चेक कर लो आंसर। यही अभीष्ट रेखा की समीकरण है, लिख देना कि यही अभीष्ट रेखा की समीकरण है। ठीक है, चेक कर लो। तो सबने कर लिया, करते रहो, अगर समझ में आता है ना तो साथ साथ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल राइट, राइट आ रहा। देखो ध्यान से आगे, क्वेश्चन नंबर एट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर एट देखो, उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी पांच इकाई और लंब धन एक्स अक्ष से तीस का कोण बनाती हो। कल मैंने समझाया था मूल बिंदु से लंबिक दूरी क्या होती है पी, और उसके साथ जो एंगल बनता है वो क्या होता है ओमेगा। कल समझाया था ना, वही वाला केस यहाँ यूज करना है। देखिए एक कार्ड के तले हमारे पास ये x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y नेगेटिव है, y पॉजिटिव है ऊपर। अब ध्यान से देख लो, पहले सुन लो एक बार दोबारा कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी मूल बिंदु से लंबिक दूरी पांच इकाई हो। मान लिया एक रेखा ये है, ये है, ठीक है, और इसका क्या है जो मूल बिंदु से लंबिक दूरी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, यहाँ से लंबिक दूरी मान लिया, ये लंबिक दूरी है इसकी। यहाँ देख लो पहले क्या कह रहा मैं, क्या कहा मैंने बोलो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से ओरिजिन से मूल बिंदु से, ठीक है, कितने का है पाँच इकाई का है, कितने का है पाँच इकाई लंबिक दूरी है, यानी ये पाँच इकाई है, ये पाँच इकाई है, ठीक है, हाँ, यानी पी की वैल्यू पाँच है। फिर क्या कहता है कि लंब धन एक्स अक्ष से तीस का कोण बनाती है, ये जो लंब है ना ये वाला, ये होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये धन एक्स अक्ष के साथ में तीस का एंगल बनाती है, ये वाला एंटी क्लॉक वाइज तीस का एंगल बनाती है थीटा। कहाँ पे भाई, अब यहाँ जा रही ना रेखा, परपेंडिकुलर के केस कल समझाया था मैंने इनको बेसिक कंसेप्ट में सारा, अब तो गए, अब तो यहाँ से गए तो अब क्या किया जाए। और यहाँ देखो अब, ठीक है, क्या बोला था, मूल बिंदु से लंबिक दूरी ये पी होती है और एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ जो एंगल बनता है इस लंब का वो होता ओमेगा, ठीक है। अब समीकरण क्या था, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। इस वाले फॉर्मूले से हमें क्या करना है, इस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, प्राप्त करना है, ठीक है। तो लिख लो, दिया है गिवन,
इंग्लिश वाले गिवन, देखो क्या करना है, लंबी की दूरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंग्लिश में, लंबी दूरी इसको बोलते हैं पी इज इक्वल टू कितना, फाइव इकाई यूनिट। और कोण, कोण ओमेगा इज इक्वल टू कितना है, 30 डिग्री। तो इसीलिए रेखा की समीकरण अगर पी की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू दे रखी होती है तो हमने सिखाया था कि रेखा की समीकरण क्या होती है, वो लिखा है आपके सामने। रेखा की समीकरण एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा, वाई साइन ओमेगा इज इक्वल टू पी। ये पुट अप कर लो वैल्यू, एक्स सेम कॉस ओमेगा 30 है, साइन ओमेगा, ओमेगा कितना 30, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी 5, एक्स कॉस 30 की वैल्यू, जो साइन 60 होता है वो कॉस 30 होता है, साइन 60 क्या था, रूट 3/2, साइन 30 1/2 इक्वल टू 5। उसके बाद यहाँ 1 लेट कर लो, यहाँ 1 कर लो, सामने सामने मल्टीप्लाई, रूट 3x/2 प्लस y/2 इक्वल टू 5, दोनों का हर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ देखो ऊपर इसको रब कर लेता हूँ, रुक जाओ, देखिए ध्यान से, एलसीएम सेम है दोनों का, तो एलसीएम 2 आएगा, ऊपर वाला ऐड हो जाएगा खाली, तो रूट 3x प्लस में y, और देन राइट में क्या चल रहा है, 5, नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, रूट 3x प्लस y, देन 5 × 10, बस हो गया समीकरण। चाहे इसको ऐसे लिख दो, 3x प्लस y माइनस का 10 करके इक्वल में 0 कर लो, चेक कर लो आंसर, ये है ना, यही अभीष्ट रेखा की समीकरण है, यही अभीष्ट रेखा की समीकरण है, चेक कर लो भाई। नोट कर लो सही से पहले आराम से, इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। अब बच्चों आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन 9 को ध्यान से देखिए, सुन लो पहले कि त्रिभुज पी क्यू आर के शीर्ष पी 2,1 माइनस 2,3 और आर 4,-5 है, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो एक त्रिभुज हमारे पास ए बी, मतलब पी क्यू आर, ऐसे मान लो कोई पी क्यू आर, पी क्यू और आर मान लो ऊपर, क्योंकि आर क्या है, शीर्ष है इसका, शीर्ष आर से जाने वाली माध्यिका, इस पर इसका समीकरण बताना है, तो इसको मिला दो ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। अब P की वैल्यू है 2,1 और Q की वैल्यू है -2,3 और R की वैल्यू है 4,5, ठीक है। तो शीर्ष R से जाने वाली माध्यिका का समीकरण बताना है, सुन लो पहले, ओए इस माध्यिका का समीकरण हमें निकालना है, इस माध्यिका का, यानी इसको मान लो आर एन, मान लो यहाँ पॉइंट कोई एन, आर एन का समीकरण बताना है, तो इसके लिए हमारे पास ये बिंदु होना चाहिए। अब ये क्या, अगर ये माध्यिका है ना,
तो ये बिंदु क्या होगा, पी क्यू का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु सूत्र से पहले एन निकाल देंगे हम, फिर जैसे ये मिल जाएगा तो आराम से समीकरण निकाल देगा दो बिंदु से जाने वाली। तो पहले क्या करेंगे, एन निकालेंगे, पॉइंट एन की कोऑर्डिनेट निकालेंगे पहले। ये तो लिखो यहाँ पर, दिया है ये, फिर दिए गए बिंदु लिखने की जरूरत नहीं है, वहाँ मैंने चित्र में लिख दिया सब। दिए गए बिंदु क्या है, पी 2.1, फिर क्यू -2.3 व आर 4.5, ठीक है। तो बिंदु एन के निर्देशांक, सबसे पहले हमें माध्यिका आर एन का समीकरण निकालने के लिए बिंदु पी चाहिए, एन चाहिए एन। तो क्या करेंगे, बिंदु एन के निर्देशांक मध्य बिंदु सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आता है, x1 x2/2 और y1 y2/2, ये है मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है। देखो इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2, तो यहाँ से बिंदु n के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, x1 2 + -2 y1 1 + y2 3/2, क्या आएगा 0/2, यानी 4/2, यानी 0/2, 2 2 = 4, तो यानी ये बिंदु क्या होगा, 0.2 आएगा n। अब इसीलिए माध्यिका, इसीलिए माध्यिका आर एन का समीकरण, आर एन का समीकरण, अब दो बिंदु मिल गए हमें माध्यिका के, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर y-y1 y2-y1 x2-x1 और x-x1 वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो वी कैन सी डेट, देखिए यहाँ पर इसको x1 मान लो, अब इसको y1 और इसको x2, इसको y2 मान लो। अब ध्यान से देखो, y सेम, y1 कितना है 5, ठीक है, यहाँ पर रख दी वैल्यू। y2 कितना है, y2 2 है, माइनस में y1 कितना है 5 और x2 कितना है 0, माइनस x1 कितना है 4, फिर x माइनस में x1, x1 कितना है 4, तो y माइनस 5 माइनस 3/-4 और x माइनस में 4, माइनस से माइनस कट हो गया, 4 का मल्टीप्लाई कर लो इधर 4y, माइनस 4×5=20 और 3 का इंटू करो 3x, माइनस 3×12। तो देखिए अब क्या करो, उधर शिफ्ट कर लो सारा, 0 3x-4y + 20 + -12 है इधर ऐसे, तो 0 = देखिए 3x-4y कितना आएगा, 20 में से 12 8 प्लस का 8, साइड चेंज कर लो, देयरफॉर 3x-4y + 8 = 0, चेक कर लो जरा, यही है। तो लिखना, यही अभीष्ट माध्यिका आर एन का समीकरण है।